एशिया कप 2018 में सुपर फोर स्टेज के दौरान भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दफा फिर 23 तारीख को एक दूसरे के आमने सामने होंगी और आमने सामने होंगे दोनों ही टीमों के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी। टीम इंडिया की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी और पाकिस्तान की तरफ से शोएब मलिक, दोनों ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और आज हम दोनों के आंकड़ों को कंपेयर करेंगे, वनडे इंटरनेशनल में दोनों के रिकॉर्ड्स को कंपेयर कर ये जानेंगे कि इनमें से सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है। तो अंत तक हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप भारत या पाकिस्तान किसी भी टीम के फैन है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ मैचेस की, मतलब एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ने अभी तक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अराउंड 324 ओडीआई मैचेस पूरी दुनिया में जाकर खेले हैं। तो भाई दूसरी तरफ शोएब मलिक ने 269 ओडीआई मैचेस खेले हैं। तो भाई यहां पर तो साफ तौर पर महेंद्र सिंह धोनी काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस रहने वाला है दोनों ही एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की बात करें तो। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं रन्स की। तो रन्स के मामले में जाहिराना तौर पर धोनी आगे ही होंगे क्योंकि उन्होंने ज्यादा मैचेस खेले हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अराउंड 10,046 ओडीआई रन्स बनाए पूरी दुनिया में जाकर, मतलब वो 10,000 क्लब के बल्लेबाज हैं। दूसरी तरफ शोएब मलिक ने काफी ज्यादा मैचेस खेले हैं, उसके बावजूद भी वो 7,067 रन्स ही अभी बना चुके हैं। जाहिराना तौर पर ये दोनों ही खिलाड़ी काफी नीचे उतरते हैं और इनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो काफी ज्यादा रन बना सके। लेकिन दोस्तों एक दूसरा रिकॉर्ड भी है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी का जो 50s को 100 में कन्वर्ट करने का रिकॉर्ड है वो 14.9% है, मतलब वो अपने लगभग 14% हाफ सेंचुरीज को सेंचुरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ शोएब मलिक यहां पर आगे हैं क्योंकि वो अपने 21% हाफ सेंचुरीज को सेंचुरीज में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने 67 हाफ सेंचुरीज लगाई है और लगभग 10 सेंचुरीज लगाई है। तो वही दूसरी तरफ शोएब मलिक ने 41 हाफ सेंचुरीज और 9 सेंचुरीज जो है वो लगाई है। दोस्तों और रिकॉर्ड्स की बात करें तो एवरेज की अगर हम बात करें पूरी दुनिया में तो महेंद्र सिंह धोनी अराउंड 50.99 के एवरेज के साथ बल्लेबाजी करते हैं, मतलब वो हर मैच में अमूमन 50 रन के करीब बनाते हैं जब भी वो बल्लेबाजी करने उतरते हैं। दूसरी तरफ शोएब मलिक का एवरेज 35.16 है, मतलब वो हर मैच में अकॉर्डिंगली औसतन 35 रन ही बना पाते हैं। तो यहां पर भी धोनी काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं। तो भाई दोस्तों स्ट्राइक रेट की बात करें तो मतलब हर 100 गेंद खेलने के बाद महेंद्र सिंह धोनी 88.11 रन बनाते हैं और इसी से स्ट्राइक रेट निकलता है। तो धोनी का स्ट्राइक रेट 88.11 का है। तो वही दूसरी तरफ शोएब मलिक का स्ट्राइक रेट 81.75 का थोड़ा सा नीचे है, लेकिन यहां पर शायद कंपैरिजन नहीं है, यहां पर दोनों ही लगभग बराबर हैं। तो भाई ये था दोनों ही खिलाड़ियों का आंकड़ा। आंकड़ों में बात साफ हो जाती है, महेंद्र सिंह धोनी काफी बड़े खिलाड़ी हैं शोएब मलिक से अगर हम उनके रिकॉर्ड्स को वनडे इंटरनेशनल में कंपेयर करके देखें तो। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बहुत जरूरी है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दिया हुआ है उसे जरूर दबाइए।